अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन। कैसे आप ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि आप लेस से, कपड़े से कैसे आप ये डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी ड्रेस को डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आप ये अपना नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देख लें बस, हमारे पास ये लेस है, नाजुक सी लेस है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कपड़े से भी ये डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देख लें बस, ये गोल गला मैंने आपको बनाना बताया था, उसके बाद मैंने आपको ये पट्टी लगाना भी बताया था। ये देख लें बस, ये मैंने लगा दी है इसलिए क्योंकि टाइम ज़ाया ना हो। अब ये देख लें बस, ये हमने जो गला कट किया था गोल राउंड, ये देख लें बस, उसकी हमने ये फ्यूजिंग साइड पर रख दी थी। अब इसके ऊपर मैं आपको डिज़ाइन करना बताऊँगी कैसे हम इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। ये देख लें बस, ये हमारी जो हमारे राउंड में है, आप देख लें इसको, समझ लें किस तरह से इसको करना है। ये देख लें बस, हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे इसके राउंड नेक से, हाफ साइड से ऐसे हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगाते जाएंगे पूरी ही फ्यूजिंग पेपर पर। ये देख लें बस, मैं पूरी फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इस तरह से निशान लगा रही हूँ ताकि हमारी जो हम कटिंग करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट और एक ही साइज़ का हमारा कटिंग हो। ये देख लें बस, मैंने इसके ऊपर ये कर लिया। उसके बाद हम इसकी आपस में हम इसको मिला लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और ट्रिक है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही करिएगा तो आपको बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है। आपको मतलब साइज़ में कोई भी गड़बड़ नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होता। ये देख लें बस, एक इंच का हम गैप देंगे। ये देख लें बस, हाफ इंच मैंने इसका किया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी हाफ इंच करूँगी। उससे पहले मैं एक इंच यहाँ से सेंटर से, ये देख लें बस, एक इंच का मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये देख लें बस, उसके बाद मैं फिर हाफ इंच ऊपर की साइड पे लगाऊँगी निशान। ये देख लें बस, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम हाफ हाफ इंच पे, जहाँ हमने निशान लगाया उसके साथ ही हाफ हाफ इंच पे निशान लगाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये नेक का, आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा, बहुत ही प्यारा लगता है और ये डिफरेंट है। ये देख लें बस, इस तरह से मैं इसके ऊपर निशान लगाती गई हूँ गुलाई में। उसके बाद मैं इनको मिला लूँगी। उससे पहले, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अब तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें। ये देख लें बस, ये हमारा नीचे का जो है वो हमारा एक इंच है और ऊपर का हमारा डेढ़ इंच का गैप आया है। इस तरह से हमने इसको गैप दिया। ये गैप आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी फ्यूजिंग पेपर की। ये देख लें बस, इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब तक अगर आपने राउंड नेक की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी। और सेंटर में जो मैंने पाइपिंग लगाई है वो देखना चाहते हैं किस तरह से लगाई है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देख लें बस, इसकी हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारी नेक की फ्यूजिंग पेपर की कटिंग हो गई है। ये देख लें बस, ऊपर की साइड पर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि हमें लगाने में आसानी हो, कोई मिस्टेक ना हो हमसे। ये देख लें बस, ये हमारे पास वाइट और ये इस कलर का कपड़ा है तो इस पर हम लगाएंगे। ये देख लें बस, इसके साइड के ऊपर हम लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे और दूसरे वाले कपड़े के ऊपर लगाएंगे। मैं आपको लगाकर दिखा दूँ किस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देख लें बस, इसके ऊपर मैंने लगा लिया है। ये देख लें बस, ये पिंक कपड़े के ऊपर ये लगाया हमने। इस तरह से दो कपड़े को हम फोल्ड करके इसके बाद हमने इस तरह से लगाया, और वाइट पर भी इस तरह से हमने कपड़ा लगाया। ये देख लें बस, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये देख लें बस, इसकी साइड साइड से हम सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं आएगी हमारी, साइड साइड पे सिलाई आएगी कपड़े पे। ये देख लें बस, दोनों साइड पे मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी दोनों कपड़े पे। दोनों पट्टियाँ मैं तैयार कर रही हूँ। ये देख लें बस, ये मैंने दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा लिया है इस तरह से, और उसके बाद मैंने इसको पलट लिया है। ये देख लें बस, डेढ़ इंच का ये हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है। ये देख लें बस, मैंने ये सिलाई लगाई है एक दफ़ा फिर से ताकि आपको सही से समझ आ जाए किस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। उसके बाद मैं इसको अंदर की तरफ टर्न कर लूँगी, पलट लूँगी। और उसके बाद ये देख लें बस, ये मैंने वाइट को इस तरह से इसके अंदर की तरफ पलट लिया है तो इस तरह से ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी जो पट्टियाँ उनको भी इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से हमारी ये पट्टी तैयार हो जाएंगी, और अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। ये देख लें बस, ये मैंने इन पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब अच्छे से मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है। अब मैं आपको इसको लगाना बताऊंगी कैसे हम इसको लगाएंगे और किस तरह ये हमारे नेक पे लगेगा। बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देख लें बस,
सबसे पहले हम इन पट्टी को तैयार करेंगे। इस तरह से मैं इसकी साइड से सिलाई लगाऊंगी। मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ किस तरह हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देख लें बस। हम सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी मिस्टेक ना हो, हमारा परफेक्ट गला बने। ये देख लें बस, हाफ इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। नीचे वाली जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी। ऊपर की हमारी पट्टी कम आएगी और नीचे की पट्टी हमारी ज़्यादा आएगी। इस तरह से ये देख लें बस। और हाफ हाफ इंच जैसी हमने फ्यूजिंग पेपर ली थी वैसे ही हम इसके ऊपर गैप देकर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस कलर का आपका कपड़ा हो उस कलर का आप थ्रेड लिया करें, सेम मैचिंग हो, अलग अलग ना हो। इस तरह से हमारे जो ड्रेस सिलता है, स्टिच होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, सिलाई नफीस आती है। उसके बाद ये देखने बस साइड साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं और कपड़े को सेट करते जा रहे हैं। डेढ़ इंच पे हमने जो निशान लगाया था वहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद मैं इसको स्टॉप करके इस साइड से सिलाई लगा लूँगी। ये देख लें बस, इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दूसरी पट्टी बता रही हूँ। दूसरी पट्टी पे भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, जितना हमने आगे की तरफ गैप दिया है उतना ही हम इसके मेजरमेंट करके उसके बाद हम इसके ऊपर ये पट्टी लगाएंगे। ऐसे हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। ये देख लें बस, हाफ इंच से ये थोड़ा सा 1.2 पॉइंट आए, तो इस तरह से हाफ इंच 2 पॉइंट पे हम निशान लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम इसको साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये देख लें बस, इसको साथ में हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। दोनों पट्टियों का ये याद रखिएगा कि दोनों पट्टियों का सेम गैप हो, सेम साइज़ की हमारी ये वाइट पट्टी नज़र आए। जितनी हमारी चौड़ी वाइट पट्टी है इतनी ही हम इसमें ये वाइट पट्टी नज़र आए, दोनों का साइज़ सेम हो। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। ये देख लें बस। उसके बाद मैं आपको अब शर्ट पे लगाना बताऊँगी कि किस तरह हम शर्ट पे लगाएंगे। अच्छे से पहले हम इसको आयरन कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। ये देख लें बस। अब मैं आपको इसको नेक पे लगाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है। ये देख लें व्यूअर्स, ये हमारा नेक है, इसके ऊपर हम ये पट्टी लगाएंगे। ये देख लें व्यूअर्स, इस तरह से हम लगाएंगे। आधा इंच का हम बस गैप देंगे। ये साइड जो हमारी दूसरी पट्टी है इसका भी हम आधा इंच का गैप देंगे। जितना हमारी वाइट पट्टी हमारी चौड़ाई में रखी है इतनी ही हम इस पट्टी की चौड़ाई रखेंगे, सेम साइज़ की रखेंगे। ये देख लेंगे बस। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा सेंटर का गैप है इसका हमारा एक साइज़ होना चाहिए, दोनों का आगे पीछे ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देख लें बस, साइड साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देख लें बस, मैंने इसकी साइड साइड से सिलाई लगा ली है। ये देख लें इस तरह से। और पीछे से हमने कपड़े को फोल्ड करके तुरपाई कर ली है, दोनों साइड पे इस तरह से हमने तुरपाई कर ली है। ये हमारा नेक इस तरह से बना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। मैं आपको लेस लगाना बताऊँगी किस तरह हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये देख लें बस, ये हमारे पास जो लेस है अब इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसकी साइड साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लेस लगाएंगे। ये देख लें बस, हमारा जो पिंक कलर का जो हमारा कपड़ा है इसके साइड साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसके ऊपर नहीं साइड साइड से सिलाई लगाएंगे अपनी शर्ट के कपड़े के ऊपर। ये देख लें बस, इस तरह से हम इसके साइड साइड से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। ड्रेस डिज़ाइन, कपड़ों को स्टिच करना, कपड़ों की कटिंग करना, न्यू स्टाइल, आपको डिज़ाइन मिलते रहेंगे। उसके बाद ये देख लें बस, हम अपने राउंड नेक की साइड से इसको हम टर्न कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लेस लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान है ये लगाना।
बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है ये गला बनके। ये देखने पर इसके बिल्कुल साइड साइड हम इसके ऊपर लेस लगाते जा रहे हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे, पूरे नेक पे हम लेस लगा लेंगे। ये देखने पर बस ये हमने लेस लगा ली, हमारा गला तैयार हो गया है बनके। हमारा इस तरह से ये गला बन गया है। ये देखने पर बस कितना खूबसूरत और नफीस ये हमारा गला बन गया है, पहनने में बहुत खूबसूरत अच्छा लगता है। इसके सेंटर में चाहें तो आप बटन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्लेन ही रख रही हूँ। ये देख लें बस, क्योंकि ये समर का ड्रेस है तो इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, टसल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इसके सेंटर में। मैं इसको प्लेन ही रख रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।